नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग उपाध्याय। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि जयपुर से आ रही है। यहां शहर में साइबर ठगी का दौर जो है वो जारी है। आपको बता दें, बैंक कर्मचारी बनकर युवक से खाते की जानकारी ली, युवक के खाते से निकाले 1.5 लाख रुपए। पीड़ित ने झोटवाड़ा थाने में दर्ज करवाया है मामला। जयपुर से बड़ी खबर, जहां शहर में साइबर ठगी का जो दौर है वो जारी है। बैंक कर्मचारी बनकर युवक से खाते की जानकारी ली, उसके बाद उसके खाते से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने झोटवाड़ा थाने में दर्ज करवाया है मामला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि साइबर ठगी का यह मामला सामने आ रहा है और इससे पहले भी काफी मामले सामने आते रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए अनुराग, ये जो पीड़ित ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, रिपोर्ट में बताया गया है कि एक शख्स ने खुद ने बैंक कर्मचारी बताया और उसको बताया गया है कि आपके जो भी बैंक संबंधित जो काम है वो अधूरे हैं, ऐसे में आप बैंक से संपर्क करें या फिर मुझे फोन पर ही अपनी जानकारी दे दे। तो इस तरह उस जो साइबर ठग है उसने कहीं ना कहीं अपनी बातों के झांसे में ले लिया और जो पीड़ित है वो भी उसके झांसे में आ गया। उसके बाद उसने अपनी बैंक की जो भी OTP है और जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है या डिटेल्स है वो उस साइबर ठग को बता दी, जिसके बाद उनके खाते से 1.5 लाख रुपए निकल गए। 1.5 लाख रुपए के मैसेज आने के बाद पीड़ित को पता चल गया कि इसके साथ ठगी हुई है और कहीं ना कहीं जो कॉल आया था बैंक से नहीं था, वो एक फेक कॉल था। तो यानी कि पीड़ित समझ पाते उससे पहले उनके अकाउंट से पैसे निकल चुके। इस तरह की पूरी साइबर ठगी हुई है। फिलहाल कह सकते हैं कि झोटवाड़ा थाने में पूरा मामला दर्ज हुआ है। IT एक्ट के धाराओं सहित धोखाधड़ी और ठगी की 420 की धाराओं में पूरा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जो भी साइबर ठग है, जो भी इसमें फेक कॉलर है, उसकी तलाश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के फोन से कॉल आया था वो अभी फिलहाल नंबर बंद आ रहा है। जाहिर बात है, इस तरह के जो कॉलर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने नंबर जो है एक बार बंद कर लेते हैं या फिर इनके नंबर पे बिल्कुल ये अलग अलग नंबरों की सिम रखते हैं। एक चीज नहीं समझ आती है दीपक, कि आज के समय में अगर हम बात करें तो सिम जो है उसे आधार के साथ जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, UPI जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, आधार से जोड़ना जरूरी हो गया है, उसके बाद भी अलग अलग नंबर की सिम ये किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक सवाल पूछा। कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है कि अलग अलग नंबर, अलग अलग ID से सिम कैसे आती है, ये भी हो सकता है एक बड़ा रैकेट हो। मैं आपको बता दूं, इससे पहले साइबर ठगी की वारदातों का खुलासा हुआ है, उसका मुख्य सरगना या मुख्य सेंटर ऑफ कह सकते हैं कि बिहार या UP के ये लोग साथी ठग होते हैं, ये वहीं से जो है कॉल करते हैं। ये भी एक जांच का विषय है कि फर्जी सिम। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये कॉलर होते हैं उनका केवल एक तरफा कॉल जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति ने कॉल करेगा तो उनके कॉल नहीं लगेगा, ये केवल अपने नंबर से कॉल ही कर सकते हैं। जी दीपक, कहीं ना कहीं एक बड़ा जांच का विषय ये है कि आज के समय में जब एक व्यक्ति 6 सिम से ज्यादा नहीं ले सकता है, उस समय में इनके पास इतनी सिमें कहां से अवेलेबल हो जाती है, उनके पास उपलब्ध रहती है। वहीं अगर बात करें दीपक, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो उपभोक्ता है या जो पीड़ित हैं उनके जागरूकता की कमी कहा जा सकता है, क्योंकि बैंक बार बार ये आग्रह करता है कि बैंक कभी भी आधार कार्ड का नंबर या OTP है वो पासवर्ड किसी को ना बताएं। बैंक कभी भी फोन के माध्यम से ये नहीं पूछता है। उसके बाद भी लगातार अगर हम प्रदेश की बात करें या देश की बात करें तो लगातार ऐसे ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, आपने ठीक कहा, बैंक जो है समय समय पर जागरूकता फैलाता रहता है। अगर हम ATM में जाते हैं तो ATM पे भी लिखा रहता है कि अपने ATM नंबर या महत्वपूर्ण डिटेल जो है किसी को नहीं बताए, क्योंकि बैंक कॉल नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति बैंक जाता है, क्योंकि वो अपने हफ्ते में 2-3 बार जरूर कोई ना कोई व्यक्ति बैंक जाता है, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ था। उसके अलावा बैंक भी समय समय बताता रहता है, लेकिन बावजूद इसके आखिर क्यों ये साइबर ठगी हो रही है, इसमें जरूरत है जागरूकता होने की। जो आम पब्लिक है उनसे न्यूज इंडिया भी अपील करता है कि कोई भी बैंक बिल्कुल दीपक, न्यूज इंडिया भी जो उपभोक्ता है, जो बैंक के उपभोक्ता है उनसे आग्रह करता है कि वो जागरूक हों और किसी भी व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति को फोन पर अपना OTP ना बताएं, ना आधार कार्ड का नंबर बताएं। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से बड़ी खबर, शहर में साइबर ठगी का दौर जो है वो जारी है। एक बैंक कर्मचारी बनकर युवक से खाते की जानकारी ली, उसके बाद उसके खाते से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए।